improving sanitation access in Jodhpur slums. मैं पांचवी क्लास में पढ़ी थी यहाँ पे और मेरी मम्मी ने स्कूल छुड़वा दी इस वजह से कि तुम सोच के ले जाती इतनी लेट आती हो, क्या पता को स्कूल जाए पीछे से कोई लड़का आ जाए। बाद में धीरे 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 डिलीवरी हुई तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत थी कि रोना आ जाता कि किसको साथ लेती हूँ दिन में। आज मैं तो मजूरी कर दिन में घर नहीं रख सकू तो एक लिए घर में रहती, कुछ पड़ोसियां ले जाती हाथ, बहुत ज्यादा दिक्कत थी। पेट में बच्चों गोद में बच्चों ऊपर मटकी 3 किलोमीटर मारे लाइवड़ पानी 7 दिन यान 8 दिन मटकी लाइवड़ पानी री एडी मटकी लाइवड़ मार पानी तो अब ए दु कैटू। In 2014, Government of India launched Swachh Bharat Mission, SBM. One of the component of SBM mission was household toilets, including conversion of insanitary latrines into poor flush latrines. Though household toilets were being constructed under the SBM mission, a few households in slums of Jodhpur were yet left to have toilets because of challenging environment which needed case-to-case attention. Hence, MHT, with support from HT Parekh Foundation, intervened to facilitate construction of toilets for those households. स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो टॉयलेट्स बने हैं वो उन बहनों के लिए सफिशिएंट नहीं थे जिन बहनों को हम देना चाहते हैं, क्योंकि वो पहाड़ी इलाकों में रहते थे, क्योंकि वहाँ पर लेबर कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, उनकी जो खुदाई का है वो कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है। टू एनेबल इम्प्रूव सैनिटेशन एक्सेस दीज सेटलमेंट्स वर चोजन बेस्ड ऑन नीड्स असेसमेंट। जलेची जलराज चांदपुर, पार्क विस्थापित कालीबेरी, अशोक कॉलोनी चंदनभागर, अम्बेडकर कॉलोनी कालीबेरी। Let's hear how improved sanitation was made accessible to the communities of these 4 informal settlements. How MHT's Community Action Group, CAG, women leaders did the needs assessment, implementation, monitoring and evaluation work on ground. The role of CAG women leaders in encouraging and implementing toilet construction for improved sanitation is pivotal. MHT believes that grassroots women can become drivers of responsible urban development. Hence, supports poor women in disenfranchised communities to build their social capital and empowers them with technical knowledge to negotiate complex urban planning and service delivery processes and procure better habitat services. MHT's community organization and leadership development model. पहले तो हम झोपड़ियों में टाइम पास करते, बरसात आती थी 10 दिन का गिंदवाड़ा जो पड़ा रहता है लेटरिन करके आदमी आते थे, 10 दिन बाद वाला वो बरसात आने के बाद इस इतनी गंदगी हो जाती थी कि अभी कोई बैठ के आसपास गया है। हम तो सो जाते थे आसपास, आके कोई घर के आसपास बैठ जाते तो हमारी बहुत हालत ख़राब हो जाती थी। सुबह उठते देखते फिर क्या करते, जब दिन में जाते ना तो वो वन विभाग वाले पत्थर मारते तो डर थोड़ा दिन में ही दौड़ जाओ इस तो अच्छा रात रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाता डरता डरता ही, मगर दिन में बहुत प्रॉब्लम है। मच्छर काटता चौमासा रहा तो इतनी दिक्कत रहती, बरसात रो पानी आवे इतना कीचड़ में जाओता, बरसात आती तो ऊबर रहना पड़तो जावा कटे। मेरी बच्ची होने वाली थी तो मैं बाहर जाती थी, बहुत सारी दिक्कत आती, मैं जाके बैठती तो वापस उठने मुश्किल हो जाता था। वो इस टाइम में तो उठा ही नहीं जाता जब मतलब फटाक से बैठ जाते तो फिर तो आदमी आए चाहे कुछ भी आए, हालत ही ऐसी थी तो कहाँ से उठे, तो आदमी पास से होके गुजर जाते थे। वो आदमी फिर रास्ते में देखता था तो मेरे सामने हंसता था तो मैं सर झुका के चलती थी। खराब लगा मुझे, कहाँ पे जाए। बाद में मिली है मैडम की ओप वाले मीटिंग रह रही है कटी मोहल्ला में तो मैं हाजिरिया खोटी करी पट गया मीटिंग में के ध्यान पड़ियो टॉयलेट बनावे महिला हाउसिंग सेवा ट्रस्ट वाले ये जय भैया और शांति जी सोनिया जी ये आके घूमने लगे यहाँ पे। मैंने देखा मैं आप यहाँ पे क्यों बैठे हो तो कि हम आपके लिए शौचालय यहाँ पे लेके आएंगे। इन्होंने बोला सब गली गली में जाके ये मतलब घर का सर्वे कर रहे थे कितने लोग रहते हो कौन है क्या है, फिरते थे हमारे बस्ती के लोग कहते ये तो ऐसे घूमते हैं। भरोसा तो पहले हो ही नहीं तो धीरे धीरे मीटिंग में जाऊँ रुका तो पता चलियो कि भाई अच्छा है अच्छा है तो विश्वास लियो थोड़ा थोड़ा, एक दो बनाया नीचे नहीं तो देखे अंदर विश्वास आए। फिर ऐसे ऐसे करके सब घरों में शौचालय इन्होंने बनवा दिए हम अब सब लोगों को विश्वास हो गया कि ये बनवा दिए अब।
हर कोई चीज़ फ्री में नहीं होती तो वो उनका कदर नहीं होती है। तो बेनिफिशरी से हमने 3,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन भी लेते हैं इसके साथ, ताकि उन बहनों को लगे इसमें हमारा भी कुछ भागीदारी है। साथ ही उनमें एक्टिविटीज़ में हमने वीडियो शोज करवाए हैं, नुक्कड़ नाटक करवाया, और मोबिलाइजिंग करने के लिए हमने सैनिटाइजेशन की मीटिंग करी। हमको मीटिंग में बताया था, नुक्कड़ नाटक हमने देखा था, हम गए थे ट्रेनिंग के लिए, हमने शौचालय के बारे में बताया कि शौचालय की कैसे साफ सफाई की जाती है, ये हमने ट्रेनिंग से सीखा। हमारे ट्रेनिंग थी हमारी उसमें 40 trainings were conducted across 4 slums. 113 area meetings were organized, wherein 1,630 community members participated. 4 street plays were organized, wherein 809 slum community members participated. बहुत अच्छा लगा कि भाई टाइम आते काम आ जावा, टॉयलेट आएगा तो कोई बाहर जाऊँ, कोई टेंशन तो कोई आदमी नहीं, क्यों हाथ हाल कोई पड़ोसियन नहीं कहना पड़ेगा मारा हाथ है बकर मत हाल लो। बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी मुश्किल हमारी ये शौचालय की थी, ये जय भैया ने, शांति जी ने, इन्होंने मेहनत करके हमारे यहाँ पे बनवा दिया, हम तो इनका ऐसा नहीं भूल सकते। Beyond facilitating for construction of toilets, MHT also facilitated the communities with legal water connection and sewerage system. पानी को लेकर जब समस्याएं बहनों के मुद्दे आए मीटिंगों के थ्रू कि हमको पानी शौचालय तो मिल गया, पानी के लिए हम क्या करें, पानी के लिए हम लोगों को 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है पानी को लेकर। अट एक ऊंची ऊंची खोणिया नीचे डोबा है, इतना खड्डा करियो है छोटा छोटा, उन खड्डर में डब्बो डब्बो मटके भर के लाता बनिया कौन यार बकर मत ने तो शिव लेन आयोडी कौन बना दे बनावा तो बकर में खुदे कौन गटर भी नहीं बना सका। पानी की दिक्कत तो सिलाई काम छूट जाता था, काम छोड़ के फिर जाना पड़ता था, मेरा एक मटका भरते भरते आधा घंटा एक मटका भरा जाता था, इतनी समस्या थी। तो उनको हमने ट्रेनिंग के दौरान हमने एक सरकारी ऑफिसर को, पीएचडी ऑफिसर को बुलाया कि आप आइए और इनको पूरा पानी का एक गाइडेंस दीजिए। तो हमने ट्रेनिंग के दौरान इनको पूरा वो पीएचडी का जो फॉर्म है, इनका पीएचडी से पानी कैसे मिलता है इनको, या कैसे कनेक्शन इनके घर तक आएगा, वो पूरा प्रोसेस इनको बताया। पानी की फाइल भरने के बाद में हमारे घर में आज पानी आ रहा है। अब मेडजी मीटिंग में गई, मंथा पड़ी, मैं फाइल भरी, हर घर में पानी कनेक्शन लियो, अब हमारा सब कुछ है। बहुत खुशी उस दिन बहुत ज्यादा, क्योंकि वो मटका जो उठा के ले जाना पड़ता था ना, वो बोझ से हट गया। अब खुशी इससे ज्यादा खुशी क्या होगी कि चलो भाई पानी घर पे आ गया। MHT ने अभी शौचालय बनवाए, बहुत ही अच्छा कार्य किया है, और आगे भी मैं चाहती हूँ कि ये संस्था इसी प्रकार से हमारे वार्ड में कार्य करती रहे, और जो भी सहयोग होगा हम लोग अपना पूरा सहयोग करेंगे। इस संस्था के द्वारा महिलाओं में जागृति लाई गई, और मैं चाहती हूँ कि ये संस्था आगे से आगे महिलाओं के विकास के लिए बहुत ज़्यादा कार्य करे। 3,390 community members facilitated for construction of household toilets. Household level contribution was ₹3,000. 250 community members were also facilitated for legal water connection. The CAG women leaders faced many challenges in implementation of the project. When CAG women leaders went for rapid assessment, 14-person households would be low, as the construction workers left home early morning and returned after sunset. The work plans were rescheduled to reach out to these families. The rocky terrain of slums increased the need of labor and raw materials, which enhanced the total cost of construction of toilets. Monsoon delayed the construction work. Water crisis and clogged sewer lines enhanced the delay in implementation work. The coronavirus SARS-CoV-2 through COVID-19 further delayed the work. The construction material availability was limited. Travel got restricted. There was labor unavailability. Community struggled to pay the urge fees to local administration for legalizing their water connection, because they themselves struggled to make the ends meet. However, CAG women leaders ensured improved sanitation access in slums of Jodhpur. At MHT, we are committed to upgrade the quality of lives of urban poor communities. We're thankful to our partner, HT Parekh Foundation.